नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 10 स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। 6 ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं, और कुछ तो बहुत ही तोड़फोड़ है। 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स मुझे नेगेटिव साइड पे लग रहे हैं, और एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसको थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है। 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए कल बड़ा एक्शन है। क्यों? क्योंकि आज सेबी की तरफ से जो सर्कुलर आया है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंपनीज के लिए। तो शुरू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ और स्टॉक्स के रिजल्ट्स के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा SMC ग्लोबल के बारे में। SMC ग्लोबल की बात की जाए, कंपनी के आज रिजल्ट्स आए हैं, दमदार नंबर लग रहे हैं, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री दिखा रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन या फिर मार्केट पार्टिसिपेशन हैवी चल रहा है बाजार में। अगर आप मुनाफे की बात करोगे तो 30 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 53 करोड़ का हो गया है साल दर साल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80% का जंप है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो मजा नहीं आ रहा है ये, फिर मैंने चेक नहीं करा, ये नंबर इतने खास नहीं है। फिर 66 करोड़ से मुनाफा घटकर 53 करोड़ का है, तो मैं इसको दमदार नंबर्स में काउंट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाऊंगा इस स्टॉक में। रेवेन्यू 310 करोड़ के सामने 450 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो एक चीज क्लियर है, साल दर साल बेहतरीन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतरीन नहीं है, तो न्यूट्रल नंबर कहेंगे हम। मॉइल, इसके नंबर अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मुनाफे की बात करो तो 91.1 करोड़ के सामने 150 करोड़ का मुनाफा आया है, दमदार। अगर आप क्वार्टर ऑन सॉरी साल दर साल देखो तो 86.6 करोड़ के सामने 150 करोड़ है, तो दोनों ही जगह शानदार है। रेवेन्यू 379 करोड़ के सामने 490 करोड़ है, तो शानदार है। मार्जिन 32.58% से बढ़कर 43.36% है साल दर साल, तो बहुत ही दमदार है। एंड कामकाजी मुनाफा 124 करोड़ के सामने 210 करोड़ पे, तो मॉइल के नंबर्स को मैं सुपर डुपर हिट कहूंगा। नेक्स्ट है आपका TVS सप्लाई चेन, इसके रिजल्ट्स में भी मेरे को काफी दम लग रहा है। साल दर साल घाटे से मुनाफे में आ गई है, 65.3 करोड़ के लॉस के सामने 7.5 करोड़ का प्रॉफिट पेश कराए। रेवेन्यू 2300 करोड़ के सामने 2540 करोड़ है, तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। स्टार हेल्थ, इसने तोड़फोड़ नंबर पेश करे हैं दोस्तों, 288 करोड़ से मुनाफा 320 करोड़ हो गया है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 140 करोड़ से 320 करोड़, तो ये बहुत लंबे समय बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। शेयर भी नहीं चला है, मेरे को लगता है शायद दिन पलटेंगे अब। नेट प्रीमियम 3040 करोड़ के सामने 3520 करोड़ का अर्न करा है स्टार हेल्थ ने। अगला स्टॉक है दोस्तों टोरेंट पावर, क्या नंबर पेश करे हैं इसने, तो मतलब मजा ही आ जाएगा आपको सुनकर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा हो गया है डबल से भी ज्यादा, 430 करोड़ के सामने 970 करोड़, एंड साल दर साल भी अगर आप चेक करो तो 517 करोड़ के सामने 970 करोड़ है। तो पावर में हम NTPC देख रहे हैं, टाटा पावर देख रहे हैं, JSW एनर्जी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, टोरेंट पावर तो अलग लेवल का गेम कर गया भाई। रेवेन्यू 7300 करोड़ के सामने 9000 करोड़ का, मार्जिन 16% के सामने 20.57% के, एबिट्टा 1100 करोड़ के सामने 1800 करोड़, तो सुपर तोड़फोड़ नंबर कहूंगा इसको तो मैं। अगला स्टॉक है दोस्तों गेल, गेल के भी रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं मेरे को, गेल के नंबर्स बताता हूं आपको। 2720 करोड़ का मुनाफा पेश कराए, 2320 करोड़ का अनुमान था, तो बीट कराया एस्टिमेट को। अगर आप रेवेन्यू देखें 33690 करोड़ पे आया है, 33460 करोड़ का अनुमान था, तो बीट कराए। मार्जिन 13.44% पे आए हैं, 11.1% का अनुमान था, बीट कराए। और कामकाजी मुनाफा 4530 करोड़ पे आया है, अनुमान आपका 3700 करोड़ का था, तो बहुत ही तंगड़ा मार्जिन से बीट कराए। तो गेल के नंबर को भी मैं तोड़फोड़ ही कहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों लोधा मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसके रिजल्ट्स थोड़े आप कहेंगे कि न्यूट्रल है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है, समझिए कैसे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 670 करोड़ से घटकर 475 करोड़ रह गया है, लेकिन साल दर साल 178 करोड़ से 475 करोड़ है। सेम चीज हुई है हर जगह, चाहे रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, मार्जिन हो या एबिटा हो, ठीक है। अगला स्टॉक है RR काबिल, रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव साइड पे है। आप कामकाजी सॉरी आप केवल स्टैंडर्ड ऑन नेट प्रॉफिट देखोगे तो 78.4 करोड़ के सामने 63.9 करोड़ पे रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी डिप है, 73.7 करोड़ के सामने, राउंड फिगर में कर लें तो 64 करोड़ का है, तो डिप ही है।
रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, तो टॉप लाइन अच्छा है, लेकिन मार्जिन में प्रेशर है 7.07% से घटकर 5.25% पे। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है जिसकी वजह से कामकाजी मुनाफा भी कम हुआ है। आगे बात करते हैं एक सबसे ज्यादा बहुचर्चित स्टॉक आज, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी, मैंने कोको कोला भी बोला था, तो लोगों ने कमेंट करा कि थम्सअप कोको कोला ओन करता है। भाई वो एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि पेप्सी हो गया आपका, स्प्राइट हो गया, सेवन अप, इस तरह की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें से जो मेजोरिटी प्लेयर है उसमें पैकेजिंग का काम करती है कंपनी। एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं देखी है। इसी प्रकार मैंने एक सेबी से रिलेटेड जब वीडियो बनाई थी, आगे आएंगे उस पर, तो काम समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स की पैकेजिंग का काम करती है, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है इस कंपनी का। पेप्सी तो करती है वो सबको ही पता है, पेप्सी के नाम से ये जाना जा रहा है ज्यादातर, लेकिन पैकेजिंग में इनके पास पानी से लेकर और कोल्ड ड्रिंक्स का भी हिसाब किताब है, तो दमदार कंपनी है। नंबर्स भी मुझे अच्छे लगे, बट स्टॉक क्यों टूट गया नो वन नोज, बट मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है। वैल्यूएशन जरूर महंगे हैं, तो वो रीजनेबल हो जाएंगे, 75 के पीई पे आ जाए तो मैं और कॉन्फिडेंटली आपसे खरीदने के लिए भी कह सकता हूं। अब आता हूं सेबी के सर्कुलर पे। सेबी ने दोस्तों कंसल्टेंट पेपर जारी कराया जहां पे उन्होंने कहा है कि अब लॉट साइज बढ़ाया जाएगा और दोनों एक्सचेंज एक ही अपना प्रोडक्ट वीकली एक्सपायरी के लिए ला सकते हैं, तो इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन फायदा आपके लिए किसे होगा? फायदा होगा रिटेल ट्रेडर्स को। ऐसे नहीं कि आप पैसा कमाने लगोगे, ऐसे कि आप दूर हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, इतना सारा पैसा लगेगा आप और रिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप नहीं करोगे ट्रेड मुझे जहां तक लगता है, और ये अच्छी बात है। लेकिन इससे आपका पैसा कैश मार्केट में जाएगा, तो CDSL के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। अब BSE के लिए ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब आप एक साथ इतने बड़े वॉल्यूम्स में काम करोगे तो इनका शायद वॉल्यूम ऊपर तो टैक्सेस ज्यादा आएंगे तो इनके पास भी पैसा आएगा, और इनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। पहले छोटे छोटे लॉट्स में कितने सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करवाने पड़ते थे, अब कम करवाने पड़ेंगे, तो ये एक अच्छी बात भी है। नेगेटिव देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनका अर्निंग जाएगी। अब तो लेट्स सी बाजार उसे कैसे टैकल करता है, क्योंकि दोनों चीजें इसमें आ रही हैं, तो BSE को देखना होगा कि कल कैसे रिएक्ट करता है, और CDSL के तो डायरेक्ट पॉजिटिव है ही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी की सारी डिटेल चीजें थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।